तुम बेकार के बातों में तो भड़काते हो, जय फलस्तीन बोलकर देश को भड़काते हो, गाते हो भारत माता का गाना और दिखाते हो तुम्हारे सारा निष्ठा कोई दूसरे फलस्तीन के ऊपर। अरे सऊदी अरब में भी निकाल के उखाड़ के फेंक दिया जिसने जय फलस्तीन बोला है। हैदराबाद में मंदिर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। भूलक्ष्मी माता मंदिर की घटना पर रक्षापुरम इलाके में बजरंग दल और बीजेपी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता माधवी लता का बयान काफी वायरल हो रहा है, जिन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बिना नाम लिए कई निशाने साधे। माधवी लता ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सीधा उनकी पार्टी को घेरा। उन्होंने हैदराबाद CM से मांगे रखी और मांगे पूरी ना होने पर प्रदर्शन की चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि AIMIM वाले नहीं चाहते कि अब की बार गणेश चतुर्थी शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए ये सब कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ओवैसी के फलस्तीन वाले नारे पर क्या कहा, ये भी सुनिए। मंदिर तोड़े मंदिर बनाओ वाली बात नहीं है, ये हमारी आस्था का बात है, ये हमारे देश में हमारा ही पहचान और वजूद का बात है, ये हमारे देश में हमारे हिम्मत से जीने की, हमारे स्वतंत्रता से जीने की जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन की है, ये किसी मुसलमान ने नहीं है, MIM वाले ने की है ये बात। वो लोग नहीं चाहते कि अब की बार गणेश चतुर्थी शांति से हो, वो नहीं चाहते हाइड्रा प्रोजेक्ट्स में जो मुख्यमंत्री ने बड़े हिम्मत से जो निर्णय लिए वो आगे ना बढ़े। इसके लिए तुम लोग मंदिर तोड़ते हो, कैसी हुई तुम्हारी हिम्मत। अरे तुम बेकार के बातों में तो भड़काते हो, जय फलस्तीन बोलकर देश को भड़काते हो, गाते हो भारत माता का गाना और दिखाते हो तुम्हारे सारा निष्ठा कोई दूसरे फलस्तीन के ऊपर। अरे सऊदी अरब में भी निकाल के उखाड़ के फेंक दिया जिसने जय फलस्तीन बोला है। अभी ये समय आया है MIM के अधिनेता और चंद्रन गुट्टा के MLA इधर आए, माता रानी के सामने क्षमा मांगे और वादा करे, भारत माता के ऊपर जय भारत माता बोलकर वादा करे कि आगे जाकर कोई भी हिंदू के मंदिरों पर या लड़कियों पर हाथ नहीं रखेगा, उसका वही चौकीदार बनकर उसका हिफाजत करेगा। इसके अलावा हम यहाँ के मुख्यमंत्री और एंडोमेंट्स के मंत्री से भी हम बड़ी विनम्रता से उनसे मांगते हैं, ऐसा मंदिर बनाइए ताकि आगे जाकर पुश्तों तक MIM को याद रखे, छूने से क्या होगा। अगर जब तक ये नहीं होता हम यहीं बैठेंगे, आमरण निराहार दीक्षा पे बैठेंगे, ये दो काम जब तक नहीं बनेंगे देखेंगे। मैं मर तो भी जाना या MIM के MP आकर यहाँ पर सर तो भी टोकना, देखेंगे क्या होता है दोनों में। तो वहीं अपने ऊपर हो रहे हमलों का करारा जवाब देने के लिए जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस पर क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।